सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू पवित्र फोटोग्राफी। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का गणेश पूजा का फोटो एडिटिंग, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और इस फोटो को एडिट करने में जितना भी बैकग्राउंड और PNG यूज होगा उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको ये वाला बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप के अंदर, ठीक है। और देन आपको यहाँ पे इफेक्ट पे जाना है और बैकग्राउंड को ब्लर कर लेना है, ठीक है। ब्लर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हो, ये यहाँ पे है ब्लर वाला ऑप्शन। यहाँ पे जाके बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर कर लेना है, उसके बाद फोटो को डन कर देना है। देन आपको यहाँ से ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके गणेश का PNG को ऐड करना है। गाइज इसको ऐड करने के बाद आपको सिंपली पूरा फोटो पे कुछ इस टाइप से लगा देना है, ठीक है। और इरेजर पे क्लिक करके हार्डनेस को एकदम 0 और ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम और साइज को भी थोड़ा सा रख के कुछ इस टाइप से पेंट कर लेना है नीचे से, ठीक है। गाइज ये हो जाने के बाद आपको सिंपली इसको कुछ अच्छे तरीके से बड़ा कर लेना है और डन करना है। देन आपको यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपका फोटो को ऐड करना है। तो गाइज देख सकते हो इसका बैकग्राउंड मैं पहले से इरेज करके रखा हूँ। आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। गाइज ये एडजस्ट होने के बाद आपको सिंपली ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके एक PNG को ऐड करना है। गाइज ये वाला PNG को ऐड करने के बाद इसको सही तरीके से मतलब फुल कर देना है, एकदम ही फुल कर देना है, और उसके बाद डन कर देना है। देन आपको क्या करना है, आपको ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ PNG को ऐड कर लेना है। तो गाइज सबसे पहले इसको रोटेट करना पड़ेगा, तो देख सकते हो इसको रोटेट कर लिया हूँ और इसको सही तरीके से एडजस्ट भी कर लेना होगा। देख सकते हो गाइज इसको एडजस्ट कर लिया हूँ, और ये वाला PNG को आपको यहाँ पे लगाना है। सॉरी गाइज इसको बाद में लगाएंगे, पहले ये वाला PNG को लगा लेने होगा, ठीक है। तो गाइज ये हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये वाला PNG को फुल कर देना है और कुछ इस टाइप से लगा देना है। यहाँ से फोटो को डन करते हैं। देन आपको फिर से ऐड फोटो ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ PNG को ऐड कर लेना है। तो गाइज देख सकते हो सबसे पहले ये वाला PNG को ऊपर में लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद ये वाला PNG को यहाँ पे लगाएंगे, फिर आपको ये वाला PNG को इसको रोटेट करना होगा, ठीक है, और कुछ इस टाइप से लगा देना है। फिर फोटो को करते हैं डन। आपको फिर से ऐड फोटो ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ PNG को ऐड करना है। तो गाइज इसका ब्लेंड मोड को आपको करना है स्क्रीन, इसका भी ब्लेंड मोड को करना है स्क्रीन। आपको ये वाला PNG को यहाँ पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला PNG को आपको यहाँ पे लगा देना है। देख सकते हो फोटो एकदम मतलब ऑसम लग रहा है, ठीक है, ऑसम। इसके बाद फोटो को डन करते हैं। तो देख सकते हो फोटो कैसा लग रहा है, पहले कुछ ऐसा था अब ऐसा हो गया। यहाँ से फ़ोटो को डन करना मतलब फ़ोटो को सेव करना होगा। सेव करने के लिए आपको ड्रॉ वाला आइकन पे क्लिक करके आपको फिर से ड्रॉ पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेव इमेज।